हेलो गाइस, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इस लैम्प पोस्ट के पीछे क्यों छुपा हूँ। एक्चुअली मैं छुपा हूँ भाई उन लॉस गैंग वालों से। लेकिन मैं क्यों छुपा हूँ यार, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। एक्चुअली मैं भाई इस लॉस गैंग के बेस पर एक गाड़ी देखी मैंने इधर से निकलते हुए, एंड मैंने सोचा कि ज़रा लॉस गैंग वालों को पीट पाट के वो गाड़ी उठा लेते हैं। बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, आज लॉस गैंग के बेस पे कुछ ज़्यादा ही मेम्बर्स हैं इनके, एंड बंदे पीटना आज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट स्टिल वो गाड़ी तो चाहिए। वो देखो ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर की, क्या ब्यूटीफुल गाड़ी है। कैसे डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व हो जाऊं या फिर पीछे से चुपके से गाड़ी बस भगा लूं, मैं तो यही सोच रहा हूं भाई। ओ नो, क्या कर रहा है बे। मैं तो यही सोच रहा हूं चुपके से इनके बेस में घुसते हैं एंड गाड़ी भगा लेते हैं। सुबह सुबह बे मतलब की फाइट लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, इसीलिए इधर से चलते हैं चुपके से, डायरेक्टली दौड़ के गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे एंड सिंपली उसे फुल स्पीड में भगा लेंगे। यही मेरा फुल प्रूफ प्लान होने वाला है। चलो भाई, तुम लोग मेरे को एक डम्ब जंप करते हुए देखना चाहते हो? देखो भाई, अबे ये तो ठीक ठाक जंप हो गई। सॉरी भाई, वो डम्ब जंप नहीं कर पाया मैं। खैर छोड़ो, अभी क्विकली इनके इस वाले फ्लोर पे आ जाता हूँ मैं। अबे नीचे क्यों कूद गया। यहाँ पर चढ़ते हैं वापस से अगेन, एंड यहाँ से मेरे को इधर चढ़ना है। कम ऑन, नाइस। एंड यहाँ से आप देखना मैं क्या करूँगा मैं, मेरे को खुद नहीं पता। हाँ, यहाँ पे चढ़ गया, अभी तक देखा नहीं है इन लोगों ने मेरे को। अब क्विकली वो गाड़ी दिख रही है ना भाई, डायरेक्टली वहाँ तक जाना है जल्दी से। पीछे से देखो, ये रे कुछ बंदे, इन्होंने सीरियसली मैं भाई अभी तक मेरे को नोटिस ही नहीं किया है। अब मैं दौड़ के गाड़ी की तरफ जाऊंगा एंड बैठ जाऊंगा। जल्दी जल्दी गोलियां चलने लगी है। भागो 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 भागो, सॉरी ब्रो। ओए भाग गया लॉस गैंग वालों के बेस से गाड़ी लेके भाग गया यार। वो लोग सीरियसली मैं देखते ही रह गए, जब तक वो लोग अपनी पैंट से भाई गन निकालते एंड मेरे को शूट करते, तब तक तो उनकी गाड़ी लेके फुर्र हो गया भाई मैं। मजा आ गया सुबह सुबह इन लॉस गैंग वालों को ट्रोल करके, मजा ही आ गया सीरियसली मैं। खैर चलते हैं फटाफट अपने घर पे, एंड मुझे तुम लोगों से कुछ सीरियस बात करनी है भाई, पहले घर पे चलते हैं। तो ये मेरी आज की थर्ड कार है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि थर्ड कार, बताता हूँ मैं, यही सीरियस बात है भाई, बताता हूँ मैं ज़रा। अरे मैं पोर्शे वाले ढंग से चला ले, यहीं पीट दूंगा तेरे को गाड़ी से खींच के बाहर। चकना चूर सी हो गई यार गाड़ी ये तो। कोई बात नहीं, संभाल के लेके चलते हैं क्विकली। ओके आ गए भाई घर की तरफ क्विकली। ये भी को, अरे संभाल के चला लो सर जी गाड़ी। तो आ गए भाई देखो अपने घर पे हम लोग। अब मैं कह रहा था कि तीन गाड़ियाँ मेरे पास। कैसे हैं मेरे पास तीन गाड़ियाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इधर तो ये वाली गाड़ी तो तुम लोगों को पता ही है भाई, अभी लॉस गैंग के बेस से छीन के आ रहा हूँ। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि आखिरकार गाड़ी लेके कौन गया। खैर वो छोड़ो, तो ये गाड़ी तो अभी लॉस गैंग के बेस से लाया हूँ मैं। ये वाली गाड़ी यार साइमन के शोरूम पे काफी सस्ते प्राइस पे मिल रही थी, ऑडी R8। तो मैंने सोचा कि चलो परचेज कर लेते हैं, एंड कलर भी काफी अच्छा लग रहा था। काफी डिफरेंट कलर का येलो है भाई, नॉर्मल वो सस्ता वाला पीला कलर नहीं है, थोड़ा डिफरेंट येलो है, रिच येलो है। तो मैंने सोचा चलो इसे भी परचेज कर लेते हैं, सस्ते में मिल रही थी। एंड मेरे पास ऑलरेडी गैराज में है एक अपनी ब्यूटीफुल सी रेंज रोवर। तो इस तरीके से टोटल मेरे पास भाई तीन गाड़ियां हैं, ऑडी, रेंज रोवर एंड ये की ये, इसका नाम शायद से इन्फर्नस है, नहीं बुलेट नाम है इसका। अरे बुलेट नाम है भाई गाड़ी का। हाँ तो तीन गाड़ियां मेरे पास। तो मैं क्या सोच रहा था भाई, अब देखो मेरे पास इन गाड़ियों को रखने के लिए जगह नहीं है। चलो मान लो मैं एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी इधर रख भी देता हूँ, बट स्टिल चौथी अगर गाड़ी लाऊंगा तो उसे कहाँ रखूंगा। मान लो चलो वो भी इधर फिट कर देता हूँ, मान लो मेरे पास पांचवी गाड़ी आ जाए, छठी गाड़ी आ जाए, सातवीं गाड़ी आ जाए, कैसे रखूंगा मैं। एंड मेन बात वो नहीं है, चलो गाड़ियां इधर उधर तो फिट भी हो जाएंगी, लेकिन जैसे मैं भाई अपने ये लॉस गैंग वालों से एक गाड़ी छीन के लाया हूँ, कोई मेरे यहाँ से भी, मेरे घर के आगे से भी एक गाड़ी उड़ा सकता है भाई, चोरी कर सकता है। गैराज के अंदर तो मेरी गाड़ियां सेफ रहेंगी, लेकिन गाड़ियां अगर बाहर रहती है तो बिल्कुल भी सेफ होने के चांसेस नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था, मैं एक पार्किंग बनाऊं क्या भाई, एक बढ़िया सी ग्रैंड पार्किंग जिसके अंदर गाड़ियों को पार्क किया जा सके। एंड यही नहीं भाई, मेरा पूरा प्लान सुनो तुम लोग। पार्किंग कुछ यूं होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ियां नहीं, लॉस सैंटोस में हमारे बाकी पड़ोसियों की भी गाड़ियां आ सके, जिस बंदे को भी पार्किंग चाहिए। क्योंकि देखो मेरे आजू बाजू में इधर कहीं भी पार्किंग नहीं है, मेनली लॉस सैंटोस के अंदर पार्किंग स्पॉट्स बताऊं कहां पर है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई या फिर कोई मतलब ऑफिस हो गया, उधर की तरफ पार्किंग वगैरह है। इधर जितने भी बंदों के खुद के घर है, विला है, बंगलो है, इधर पार्किंग है ही नहीं भाई। एंड पार्किंग ना होने की वजह से ये देखो, इस बंदे की गैराज में एक गाड़ी होगी, एक गाड़ी बाहर है। अब इस बंदे की देख लो, इसके पास तो गैराज ही नहीं है, गाड़ी हमेशा इसकी बाहर खड़ी रहती होगी। इस बंदे की देख लो भाई, इसकी गाड़ी
गाड़ी बाहर खड़ी है। तो ऐसा सीन हमेशा ही रहता है। हमारे पड़ोसियों की हालत देखो भाई, सबका ऐसा ही हाल है, गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं घर के। इधर देख लो भाई, इसकी गैराज में ऑलरेडी एक गाड़ी होगी, दो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं इसकी। इसकी देख लो, ये देखो भाई, इसके गैराज फुल होगा, दो गाड़ियां इसकी भी बाहर खड़ी है। तो यही सीन है, ये देखो इसकी गाड़ियां तो बिल्कुल रोड तक आ रही हैं, इसका भी गैराज फुल होगा। तो ऐसा ही हाल है भाई लॉस सैंटोस के अंदर, लोगों के पास गैराज है लेकिन गाड़ियां उससे ज्यादा है। एंड इधर कहीं भी पार्किंग स्पॉट्स नहीं है जहां पर वो पूरे टाइम के लिए गाड़ी पार्क कर सके। तो मैंने क्या सोचा है, क्यों ना मैं पार्किंग बनाऊं अपने घर के जस्ट पास में ही। आइडिया सीरियसली में सॉलिड है, ये काफी बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा मेरे लिए। इसमें करने ही क्या है, एक बार पार्किंग बना के छोड़ दो, लोग बंदे गाड़ी वगैरह पार्क करते रहेंगे, जब काम होगा भाई गाड़ी का वो निकालेंगे पार्किंग से, ले जाएंगे एंड वापस ला के पार्किंग में लगा देंगे, एंड इसके बदले मैं उनसे पैसे चार्ज करूंगा। सिंपल एंड ईजी, काफी बढ़िया है ये चीज। एंड कोई जगह भी नहीं परचेज करनी है, कहीं भी बना दो पार्किंग। ये वाली जगह तो खैर ठीक नहीं है, पहाड़ पे इधर क्या ही पार्किंग बनेगी, चोरी तो इधर से भी हो जाएगी। पार्किंग के लिए सबसे बढ़िया जगह बताओ कौन सी है मेरे घर में, घर के पीछे वाला इलाका, वो जो बैकयार्ड है भाई मेरे घर का, वहां पर मस्त पार्किंग बन जाएगी। रुक जाओ मैं तुम लोगों को एक बार दिखाता हूँ। भाई तुम लोग मेरा प्लान सुनो, बहुत ही एपिक प्लान है मेरे पास इस पार्किंग को लेकर। क्विकली चलो इधर से इधर, ओ सॉरी, देखो भाई अब ये इसकी गाड़ी खड़ी है बाहर, स्क्रैच आ गया गाड़ी पे, वही पार्किंग में रहेगी तो स्क्रैच नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ आजू बाजू के मोहल्ले की। तो ये जो स्पॉट है भाई, ये एकदम से बढ़िया, एकदम परफेक्ट स्पॉट है पार्किंग के लिए, क्या बोलते हो तुम लोग। इधर हम लोग एक बड़ी सी छत बना देंगे, नीचे पिलर्स विलर्स लगा देंगे, एंड मस्त वहां पर पार्किंग की जा सकती है, गाड़ी आराम से पार्क की जा सकती है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई अगर हम लोगों ने मान लो चलो इधर छत वत लगा दी तो उस पर गाड़ी आखिरकार जाएगी कैसे, क्योंकि देखो भाई अच्छी सी बात है भाई, ये जो पहाड़ है ये ऐसे स्लैंटेड है, पार्किंग तो स्लैंटेड होगी नहीं, पार्किंग तो फ्लैट होने वाली है। चलो मान लो पार्किंग फ्लैट बना भी दी तो वो ज़मीन से काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे हो जाएगी पार्किंग, तो वहाँ तक गाड़ी कैसे लेकर जाऊँगा। तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, पार्किंग जो है हम लोग यहाँ बनाएंगे, एंड पार्किंग तक गाड़ी लाने के लिए इधर की तरफ मैं एक रोड बनाऊंगा। यस सीरियसली मैं, बहुत ही बढ़िया है ये ऑप्शन, इधर की तरफ से एक बहुत ही पक्का वाला रोड बनाऊंगा, एंड वो भी हवा हवा में जाएगा भाई, वो रोड वो भी पिलर्स के सपोर्ट से खड़ा होगा रोड, एंड वो रोड कनेक्टेड होगा डायरेक्ट पार्किंग की तरफ से। देख रहे हो टू वे पार्किंग होगी, इधर से भाई एक रोड कनेक्ट होगा एंड दूसरा रोड भाई कनेक्ट होगा यहाँ से इधर की तरफ, कनेक्ट कर देंगे। या फिर वेट, यहाँ से कोई और जगह है क्या, यहाँ से इधर तो घास वास लगी पड़ी है, यहाँ से तो नहीं, इधर तो घास वास है। दूसरा जो रोड होगा भाई इधर से ही कहीं से कनेक्ट कर देंगे, वो फिलहाल बाद की बात है, एक रोड तो कंफर्म है। हाँ दूसरा रोड यहीं से कनेक्ट कर देंगे, इसकी दिक्कत क्या है। तो इस तरीके से हमारी दो रास्तों वाली पार्किंग बन जाएगी एंड काफी सॉलिड लगेगी भाई। आइडिया बढ़िया है, मैंने तुम लोगों को आइडिया एक्सप्लेन कर दिया है, अब एग्जीक्यूट करते हैं इस आइडिया को। देखो खर्चा ज्यादा नहीं होने वाला है, जितना भी खर्चा होगा मेरे पास है भाई पैसे, थोड़ा बहुत खर्चा होगा। एंड वैसे भी खर्चा ज्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की पार्किंग मैं खुद बनाऊंगा, मैं सारा रेडीमेड मटेरियल लाऊंगा भाई, उनको यूज करके एंड इस पार्किंग को अकेले ही पूरा बिल्ड कर दूंगा मैं, तुम लोग देखते जाओ मजा आने वाला है। एंड मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा रास्ता यहाँ से भी बना देंगे पार्किंग के लिए, यहाँ से बाइक वाइक लगा दूंगा मैं अपनी, मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया आइडिया है, एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल्स चाहिए, रोड का मटेरियल चाहिए, मैं रोड भी रेडीमेड लाऊंगा जिसको बस पिलर के सहारे असेंबल करना होगा, पिलर्स लाने पड़ेंगे काफ़ी सारे, एंड यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस लानी पड़ेगी, बस सिंपल है ये पार्किंग का डिज़ाइन है, ऐसा कुछ ज़्यादा भाई आर्किटेक्ट इंजीनियर विंजीनियर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली एकदम परफेक्ट बना दूंगा। लेट्स एग्जीक्यूट द प्लान, सबसे पहले तो हमें टैक्सी लेनी है, एंड टैक्सी लेके एक ट्रक लेना होगा रेंट पे, क्विकली टैक्सी लेके जहाँ से ट्रक मिलते हैं रेंट पे वहाँ निकलते हैं पहले। तो टैक्सी वाला भाई तो गया भाई, अब मैं आ गया यहाँ पे, यहाँ से ट्रक वगैरह रेंट पे ले लिया मैंने, कौन सा लूँ, पैसे तो मैंने दे दिए हैं, ब्लू या फिर ब्लैक वो बढ़िया लग रहा है, थोड़ा एग्रेसिव सा लुक है इस ट्रक का, ये लेके चलते हैं, बढ़िया लग रहा है। चलो अब यहाँ से चलना है हमें मटेरियल्स परचेज करने के लिए, रेडीमेड मटेरियल्स की एक शॉप मेरे ध्यान में है, वहाँ निकलते हैं, लेस्टर के घर की तरफ है वो शॉप, क्विकली चलते हैं। अरे कैसे ट्रक चला रहा हूँ भाई मैं, वैसे ट्रक चलाना भाई लॉस सैंटोस के अंदर आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ बस चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बस जो है वो थोड़ी सी इससे भी लंबी होती है, एंड उसके अंदर भाई बंदों को चढ़ाना है उतारना है तो थोड़ा दिक्कत होती है उसमें। ट्रक तो सिंपल है, भगाओ ट्रैफिक आ गया ब्रेक लगाओ, सिंपल एंड ईजी। वेलकम टू द शॉप, ये क्या है, कीप क्लियर नो पार्किंग,
अरे वाह, इतनी बढ़िया जगह है। और बताओ, नो पार्किंग लिखा है, कोई बात होती है ये? फिलहाल ये कैसा रोड है, ये रोड कहाँ जाता है? ओके, ये तो सीवर की तरफ आ गया। ओ नहीं, मैं गलत डायरेक्शन में आ गया। चलो भाई, अपनी उस रेडीमेड शॉप की तरफ निकलते हैं। रिवर्स में लो ट्रक क्विकली, चलो 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 चलो। ओके नाइस, बहुत ही बढ़िया। एंड यही है वो शॉप जहाँ पर भाई मटेरियल मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पर यस है, बहुत सारा मटेरियल है। लेट्स गो, लेट्स जस्ट चेक क्विकली। ओके, रोड है यहाँ पर। कोई ओनर? यस, ये रहा ओनर। ओके, ये भी अच्छा है प्लेटफॉर्म के लिए, जिस प्लेटफॉर्म पे भाई गाड़ियाँ खड़ी होंगी। सर एक्चुअली मुझे पार्किंग बनानी है, तो मुझे सामान चाहिए। देखो, रोड चाहिए, पिलर्स चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। पिलर्स पीछे की तरफ हैं। ओके, और नाइस, ऐसे ही तो पिलर्स चाहिए। ये गोल वाले बढ़िया है, ये स्क्वायर वाले तो अजीब से लग रहे हैं। छोटे से हैं, पतले से हैं, कमज़ोर से भी हैं। ये गोल वाले बढ़िया है, तो हम लोग गोल वाले पिलर्स लेंगे भाई। ये वाला प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, दो प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, आई गेस दो पे हो जाएगा काम। एंड रोड, रोड की बात की जाए तो रोड तो देखो ये भी ठीक है। ओके, ये छोटे पीसेज हैं, जितने ही छोटे पीसेज होंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये बड़े बड़े पीसेज ठीक है रोड के। तो सर सब कुछ दे दो, मुझे बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत है। फिलहाल ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो अभी नहीं ले जा पाऊंगा मैं, बट हाँ ये जो रोड है एंड वो जो पिलर्स है ये सब दे दो आप क्विकली मेरे ट्रक पे लोड करवा दो। जस्ट जल्दी से सर, जल्दी से लोड करवा दो फटाफट इस ट्रक पे। एक प्रॉब्लम हो गई है गाइज़, ये जो रोड है, रोड वाला मटेरियल है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है मटेरियल भाई, क्योंकि रेडीमेड है भाई ये सारी चीज़ें, तो ये इतू से ट्रक पे नहीं आ पाएगा भाई। तो मैंने उस बंदे से कह दिया, भाई तेरे पास कोई सोर्स हो तो भिजवा दे भाई। एंड इस बंदे ने कह दिया है ओके, तो ठीक है भिजवा दे भाई, जो भी रेंट वगैरह होगा मैं पे कर दूंगा। फिलहाल जो पिलर्स हैं वो सारे के सारे आ गए हैं, जितने भी पिलर्स की अपने को ज़रूरत थी। एंड भाई सीरियसली में बहुत सारे पिलर्स हैं ये, एंड ट्रक पूरा फुल हो चुका है। अब लेकर चलते हैं इन पिलर्स को अपने घर की तरफ। ये रोड तो ले जाना बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं किस व्हीकल का यूज़ करके ये लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, बट कर देना भाई साहब, रात तक कर देना, कल सुबह काम लगा देंगे, या फिर रात को ही काम लगा देंगे सुबह तक। नहीं नहीं भाई, रात को पता चला मैं बनाने लग गया पार्किंग, सुबह ही गिर गई पूरी की पूरी पार्किंग ही। इसीलिए बढ़िया से दिमाग लगा के अच्छी तरीके से शांति से बनाएंगे, जल्दबाजी में नहीं। तो चलते हैं क्विकली अभी फिलहाल ये पिलर्स वगैरह लेके। भाई कैसा भारी भरकम सा लग रहा है। ओ इधर से नहीं ले जा सकता मैं, इधर लॉस गैंग वालों का अड्डा है। पता नहीं उस वक्त जब मैं उनकी गाड़ी लेके भागा था तब उन लोगों ने मेरी शक्ल देखी थी कि नहीं, अगर देख ली होगी तो भाई पीट पाट देंगे पकड़ के, ले जाने भी नहीं देंगे, ट्रक भी छीन लेंगे एंड पिलर्स भी ले लेंगे। इधर से तो नहीं ले जा सकता, हाँ यहाँ से ले जा सकते हैं। चलो भाई, बुरा देखो लॉस गैंग वालों का अड्डा, इधर से मैंने शॉर्टकट ले लिया, ये सही किया भाई मैंने। सीरियसली मैं कोई भरोसा नहीं है इनका, उस वक्त देख लिया होगा तो। वैसे भी मेरे को पंगे नहीं लेने, अभी मेरे को बस फोकस करना है सिंपली अपनी पार्किंग बनाने पे। वैसे मैं फर्स्ट टाइम लॉस एंडोस में ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ भाई, पार्किंग से रिलेटेड है भाई, फर्स्ट टाइम पार्किंग बना रहा हूँ मैं, देखते हैं कैसी बनती है। बस तुम लोग जाकर यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। यस, अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर हम लोग निकलते हैं क्विकली, अभी को। ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओ नो, बच गए। वो लगा मेरे को ट्रक हमारा पलट जाएगा, बट बच गया ट्रक। चलो जल्दी से निकलते हैं, पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट। ओके ओके, आ गए बस बस। अभी ट्रक को इधर लगा देते हैं, या फिर को यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि एक रोड की तो शुरुआत यहीं से होने वाली है। यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी देखो भाई, अपने पास बाकी मटेरियल तो आया नहीं है, वो प्लेटफॉर्म जिस पे गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी एंड साथ ही साथ वो रोड, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, शायद शाम तक वो मटेरियल आ जाएगा, हम लोग सुबह काम लगा देंगे। चलो ओके, क्विकली यहाँ पर आ गए। गुड, क्या हो रहा है ये? गुड इवनिंग गाइस। ओके, तो अब प्रॉपर शाम हो चुकी है एंड ओके मटेरियल आ चुके हैं भाई, पेमेंट मैं करके आ गया था ऑलरेडी। ओके, एक तो ये रहा, दूसरा प्लेटफॉर्म कहाँ है? दो प्लेटफॉर्म मंगवाए थे मैंने, एक ही आया है क्या? लग तो रहा है। अबे एक नहीं, ये तो रहा, दूसरा नीचे फेंक के चले गए वो लोग। अबे ये कैसे लेके आए, हेलीकॉप्टर से गिराया है क्या? पता नहीं भाई, क्या पता वो मिलिट्री वालों के पास वो हैवी चीज़ें लिफ्ट करने वाला जो हेलीकॉप्टर है उससे शायद ये लोग ड्रॉप करके चले गए हों। नहीं लेकिन फिर उसके हिसाब से पैसे भी तो पूरे चार्ज करते, पता नहीं किस तरीके से ये लोग लेकर आए। ओ रोड भी आ गया, यस हमारा रेडी मेड रोड भी आ गया, लेकिन मैं नीचे गिर गया भाई। उन लोगों को कैसे पता था भाई ये चीज़ें यहाँ यहाँ रखनी है? प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही जगह पे रखा है उन लोगों ने, एंड रोड की भी शुरुआत यहीं से होने वाली है, तो देखो रोड भी उन लोगों ने यहीं पर रख दिया है। वाह भाई, बंदे चलाक तो थे वो। खैर क्विकली चेक करते हैं गाइज, जितने आइटम्स का ऑर्डर हम लोगों ने दिया था उतने आइटम्स आए हैं क्या फिर नहीं।
एंड फिर कल सुबह हम लोग काम लगा देंगे एंड कल दोपहर तक हमारी पार्किंग पूरी रेडी हो जाएगी। बस हमें थोड़े से और मटेरियल्स, मुझे नहीं लगता मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतने में आराम से हो जाएगा भाई सब कुछ। ओ भाई क्या चौड़े चौड़े से रोड हैं ये, बहुत सारे हैं यार, हो जाएगा आराम से सब कुछ। पिलर्स भी हैं, रोड भी है, प्लेटफॉर्म भी है। कल हमारी तगड़ी वाली पार्किंग बनाएंगे जिसका नाम रखूंगा मैं फ्रैंकलिन्स पार्किंग। ये कैसा बिल्कुल स्ट्रेट नाम है, देखेंगे कुछ और नाम सूझेगा तो रख देंगे। वैसे एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम है भाई, ये हैवी हैवी रोड में हाथ से तो उठाऊंगा नहीं, इन चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। क्रेन 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 तो नहीं, लेकिन एक डोज़र बुलडोज़र उठा के लेकर आ चुका हूँ मैं, एंड इससे भी अपना काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जो आगे वाली चीज़ है इससे हम लोग आराम से चीज़ें लिफ्ट कर सकते हैं एंड जल्द से जल्द अपने गैराज, नहीं नहीं क्या है बना रहा हूँ मैं, पार्किंग को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है, इस क्रेन को लाने में बहुत टाइम लग गया मुझे, कितनी स्लो भी तो होती है भाई, 40 से ऊपर इसकी स्पीड नहीं है, वो भी 40 मुझे लग रहा है ज़्यादा ही दिखा रहा है भाई, इसका स्पीडोमीटर ख़राब होगा पक्का। सीरियसली मैं कोई ये 40 की स्पीड है ये तुम्हें लग रहा है भाई? ये देखो ये 40 की स्पीड है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये 10-20 की स्पीड है। ओके आ गए फाइनली, कितनी स्लो होती है ये, लेकिन हेडलाइट होती है इसमें, ये देखो भाई मस्त, अरे कहाँ जल रही है लेकिन हेडलाइट, ये रही ऊपर की तरफ। चलो भाई इससे हम लोग आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो पिलर हो या फिर ये रोड। लेकिन अब मैं ये कहा, ओ नहीं नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा ट्रक क्यों पलट रहा हूँ मैं, आराम से लिफ्ट हो जाएगा। तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे ये सामने से गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी को लिफ्ट करके दिखाऊँ फॉर एन एग्जाम्पल, ये देखो भाई कितनी आराम से पूरी गाड़ी लिफ्ट कर सकता हूँ मैं। तो इसी तरीके से भाई ये रोड भी लिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सर कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो आप, कहाँ भाग के जाओगे मेरे से, ये लो आपकी गाड़ी पूरी की पूरी। ओ भाई पिचका दी उसकी गाड़ी तो, उसकी गाड़ी का क्या हाल कर दिया है, लेकिन अभी भी चल रही है बिंदास भाई। छोड़ो इस क्रेन को, अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, कल सुबह हम लोग अपनी पार्किंग का काम शुरू कर देंगे एंड बनाएंगे अल्टीमेट पार्किंग एंड लॉस एंजेलोस के लोगों को भाई मौका देंगे अपनी पार्किंग का इस्तेमाल करने का। देखते हैं सुपर कार्स लाते हैं लोग, स्पोर्ट्स कार लगाते हैं, जो भी लगाएंगे देखते हैं, अभी तो पहले रेडी तो हो जाए भाई। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम है अब इस पार्किंग को बिल्ड करने का। तो सबसे पहले वहाँ से रोड की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो मैं पिलर्स लगा देता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है, एंड देन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पिलर्स कम पड़ेंगे, देखते हैं। सबसे पहले पिलर्स लगा देते हैं, फिर रोड लगाएंगे, फिर जो प्लेटफॉर्म है उसको बिल्ड करेंगे, हाँ ये ठीक रहेगा। लेट्स गो क्विकली, जस्ट पुट द पिलर। ओके चलो भाई पहला पिलर लिफ्ट करते हैं, ट्रक ना पलट दूँ मैं पिलर लिफ्ट करने के चक्कर में। ओ नो मेरे को लग रहा है मैं ट्रक ही पलटूंगा भाई, आराम से लेट्स लिफ्ट, हियर वी गो, पहला पिलर लिफ्ट भाई। एंड अब इसको इधर की तरफ लगा देते हैं और आराम से भाई, ओ भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लोकेशन पे बिल्ड कर रहा हूँ मैं, ये रोड भाई इधर बनता नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लोकेशन है, बहुत मुश्किल है ये, बट मैं अकेले ही सब कुछ बिल्ड करने वाला हूँ। यहाँ नीचे लगा देते हैं भाई, फर्स्ट पिलर डन। एंड इसके ऊपर एक बार रोड लगा के देखूँ क्या, रुको रुको रुको, एक रोड को पुल आउट करके, अरे पहले तो इधर जगह बनाओ भाई, जगह नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए। उस ट्रक को आगे करते हैं सबसे पहले एंड देन एक रोड लगा के देखते हैं कि भाई ये पिलर पे रोड टिक भी रहा है कि नहीं। ओ भाई कितना मुश्किल पड़ेगा ये, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा यार, मैं तो कह रहा हूँ दोपहर तक बना दूंगा मैं, बहुत टाइम लगेगा सीरियसली मैं। ओके नाइस, चलो क्विकली फिर से इस ट्रक को उठाते हैं एंड काम पे लग जाते हैं, ट्रक नहीं बुलडोज़र। ओके रोड भी पिक कर लिया है मैंने, अब इसको इस पिलर पे लगाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, क्विकली लेट्स गो। ओके पहला रोड लग गया, लग तो गया यार, पता नहीं कैसा लग रहा है, एक बार ज़रा रुको नीचे चल के देखते हैं। पिलर के ऊपर रोड फिक्स कर दिया है, ओ यस नाइस, अच्छा दिख रहा है भाई। इसी तरीके से अब एक पूरा ऐसा कर्व्ड रोड ले जाएंगे एंड वहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाएंगे एंड पार्किंग तैयार करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ये चीज़ें सेट करने के बाद, ठीक है भाई? सो लेट्स गो, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से डायरेक्टली दोपहर को, देखते हैं कितना काम रेडी हो पाता है। ओके गाइस चलो भाई फटाफट काम फिनिश करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है भाई ये? भाई पूरा बनाया मैंने ही, थोड़ी बहुत अभी भी कहीं दिक्कतें हैं, उन्हें फिक्स करना पड़ेगा, बट स्टिल काफ़ी बेटर दिख रहा है ये। एंड जितना हाइट पे मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी हाइट पे तो नहीं गया ये, बट एक बार ज़रा तुम लोगों को मैं पूरी पार्किंग दिखाता हूँ, लिटरली भाई तुम लोग शॉक हो जाने वाले हो, इतनी अल्टीमेट पार्किंग बनाई है मैंने। चलो इसी गाड़ी को लेकर चलते हैं, अरे ये तो पहली चकना चूर है, इसको लेकर चलते हैं, तभी तो पता चलेगा कुछ, अगर कहीं स्क्रैच विस्क्रैच आया तो पता तो चले एटलीस्ट कि प्रॉब्लम कहाँ पर है।
ठीक है, तो चलो यहाँ से एक रोड बचा है अभी मेरा, सारे रोड का इस्तेमाल हो गया, एक रोड बच गया, जरा पहले इसको साइड में कर देते हैं। तो ओके, क्रेन से मैंने उस रोड को साइड में फेंक दिया। तो यहाँ से देखो, किसी बंदे को अगर मान लो हमारी पार्किंग का यूज़ करना है, वैसे देखो मैं बता दूँ मटेरियल्स कौन कौन से ख़त्म हो गए हैं, वो जो दो प्लेटफॉर्म थे बड़े बड़े वो तो ऑब्वियसली यूज़ होने ही थे, सारे पिलर्स खत्म हो गए हैं, रोड भी सारे खत्म हो गए हैं, एक रोड बच गया। यहाँ से देखो स्टार्टिंग होगी सिंपली ब्यूटीफुल तरीके से, यहाँ से गाड़ी आगे जाएगी कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा गाड़ी को मोड़ना है, एंड ये है पार्किंग जहाँ पर कोई भी बंदा आके अपनी गाड़ी को इस तरीके से पार्किंग में लगा सकता है। कैसा है ये, मस्त नहीं है भाई? कितना सिंपल एंड स्वीट एंड कितना मतलब इजी है, ज्यादा कुछ भी सोचना वोचना नहीं है, बिल्कुल आराम से कोई भी बंदा फिर गाड़ी को मान लो ले जाना है तो यहाँ से ले जा सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है इस पार्किंग के अंदर, ये रोड तो बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ना भाई यहाँ पर, ये देखो हल्का सा एक बम्प है जिसको फिक्स करने की मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर इधर ये बम्प फिक्स होता है तो ये बम्प इधर आ जाता है, तो यही प्रॉब्लम हो रही है, इसी को फिक्स नहीं कर पाया हूँ मैं अभी तक, बट थोड़े टाइम बाद हो जाएगा फिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी अगर ये बम्प रहता भी है तो उतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है स्पोर्ट्स कार को, हाँ सुपर कार को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, बट स्टिल काफी बढ़िया चल रही है हमारी पार्किंग। एंड अभी भी इसके अंदर देखो मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस क्या करने हैं मैं तुम लोगों के एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी बताया था ये दो तरफ से पार्किंग बनेगी, अभी फिलहाल एक तरफ का ही रोड कंप्लीट हुआ है, दूसरी तरफ का रोड जो है इधर से लाना है वो अभी लगाना बाकी है, तो उसको हम लोग लगाएंगे। एंड सेकंड चीज़ जो है भाई वो है साइड में ग्रिल होनी चाहिए, क्योंकि मान लो बंदे ने कुछ ज़्यादा ही गाड़ी को एक्सलेट कर दिया तो वो गाड़ी तो भाई डायरेक्टली पार्किंग से नीचे ही आ जाएगी, बट अगर साइड में ग्रिल होगी तो गाड़ी ऊपर ही टकरा के ऊपर ही अटकी रह जाएगी, तो हमें साइड में पूरी ग्रिल लगानी होगी। एंड मुझे क्या लग रहा है थोड़ा इस पार्किंग स्पेस को और बड़ा किया जा सकता है, थोड़ी छोटी सी जगह लग रही है, तुम्हें भी नहीं लग रही भाई ये थोड़ी छोटी जगह, थोड़ा इसको और चौड़ा कर सकते हैं हम लोग, चौड़ा करना चाहिए आई गेस, ज़्यादा ही पतली, इतनी मेहनत से रोड वोड बना रहा हूँ मैं, अगर मुश्किल से सिर्फ 10-12 गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो फिर फ़ायदा क्या है, तो मेरी पर्सनल पार्किंग हो गई, मुझे तो सबके लिए पार्किंग बनानी थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा और चौड़ा करेंगे हम लोग, इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं या एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, सेकेंडरी जो रोड है उसको अभी बाद में कंसिडर करेंगे, पहले उसको चौड़ा करते हैं, उसके लिए मेरे को लाना पड़ेगा भाई मटेरियल, एंड इसके लिए एक बाउंड्री लेकर आते हैं जो कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया, इधर ग्रिल लगाएंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको पूरा रेडी होने में, पहले ग्रिल नहीं, पहले इसको चौड़ा करते हैं क्विकली चौड़ा करते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और वाइड कर दिया है, एंड वाइड होने के बाद अब ये थोड़ी बड़ी पार्किंग स्पेस लग रही है भाई यहाँ पर, तो बल्कि मैं ड्रिफ्ट वगैरह भी कर सकता हूँ, इतनी बड़ी जगह हो गई है ये, सीरियसली भाई ये देखो मेरी अल्टीमेट ड्रिफ्ट्स भाई, लिटरली मैं भाई ड्रिफ्ट हो रही है क्या मस्त यहाँ पर मेरी बॉडी, तो अच्छी खासी जगह हो गई है। अब क्विकली ग्रिल्स वगैरह लेकर, ओ नो ओ नो ओ नो नो नो, आराम से, मुझे लग रहा है ये रोड के साइड में भी ग्रिल्स लगानी पड़ेगी, क्विकली ग्रिल्स लेकर आते हैं गाइस, एंड ग्रिल लगाते हैं इस रोड के साइड में, एक साइड में लगाते हैं, एंड देन वो पार्किंग स्पेस में, इस रोड को भी, ये जो बचा हुआ रोड है रुक जाओ इसको भी कहीं लगा देता हूँ, मेरे पास एक जगह है वैसे, रुको रुको रुको, एंड वो जगह कौन सी है, मैंने वहाँ पे लगा दिया है, क्या तुम लोग वो जगह देखने के लिए तैयार हो? वो जगह है भाई अपना ये स्विमिंग पूल, अगर मेरे को बाइक वाइक लगानी हो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, क्या ब्यूटीफुल हो गया भाई ये। अब ग्रिल्स लेकर आते हैं भाई, ग्रिल्स लगने के बाद तो फिर हम लोग इसका ड्रोन व्यू चेक करेंगे, अल्टीमेट लुकिंग बेस्ट पार्किंग बना दिया भाई, क्विकली ग्रिल लेकर आते हैं। ग्रिल लेने के लिए निकल तो गया लेकिन ये ग्रिल मिलेगी कहाँ पे, वो रेडीमेड वाली दुकान पे तो नहीं थी भाई, किसी और शॉप पे से लाना पड़ेगा, रुक जाओ, वो जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनती है उधर से लेकर आते हैं, या फिर जहाँ पर दरवाजे वगैरह स्टील वगैरह के आइटम्स मिलते हैं वहाँ से, हाँ उधर ही कहीं से मिलेगी भाई ग्रिल। वैसे हमारी पार्किंग दिख रही है यहाँ से, यस उसका पूरा रोड नज़र आ रहा है, वो देखो भाई क्या ब्यूटीफुल कर्व है यार उस रोड का, बढ़िया बढ़िया है। चलो चलो ग्रिल लेकर आते हैं, कम ऑन क्विकली, एंड फिर लगाते हैं घर में, मज़ा आ जाएगा भाई। वैसे तुम लोगों ने गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, यस अभी के भी जाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो गोल्ड की गाड़ी थी क्या? नहीं, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड मैं तुम लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ ग्रिल्स लगाने के बाद। ओके, ग्रिल लगाते लगाते भाई रात हो चुकी है, बट जरा सुबह हो जान देते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई हमारी ग्रिल कैसी लग रही है। अभी फिलहाल रोड पे नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि रात में भाई आड़ी टेढ़ी लग रही है ये ग्रिल्स। सुबह हो चुकी है, एंड आर यू रेडी? चलो भाई क्विकली देखते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पर हमारी ग्रिल्स वगैरह सब कुछ लग चुकी है,
एंड बीच में मैंने एक काफ़ी खूबसूरत सा ऐसे प्लांट वाले एरिया बना दिया। देखो ये जो झाड़ है अपने घर की, ये नीचे से आ रही थी भाई, तो मैंने सोचा इसको काटने की बजाय, इसको हटाने की बजाय, इसको हम लोग एक ब्यूटीफुल प्लांट वाले एरिया बीच में बना देते हैं। थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाएगा, ऐसी पार्किंग कहीं भी नहीं होगी। तो मैंने इसको और प्रिजर्व करके बीच में और खूब सारे प्लांट्स लगा दिए, तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है देखने में दूर से। एंड ये है देखो भाई ग्रिल, थोड़ी गैप छोड़ छोड़ के मैंने लगाई है कहीं कहीं। देखो यही तो होता है भाई रात में ग्रिल लगाने की वजह से आजू बाजू ही लग गई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एंड काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब बस रोड पे ग्रिल लगाना बाकी है, बट मेरे को नहीं लग रहा है यार, जिस बंदे को गाड़ी चलानी आती होगी वो इतनी गड़बड़ करेगा कि भाई इस पे चढ़ाते वक्त गाड़ी इधर उधर हो जाए उसकी। तो अब जरा क्विकली अपनी तीन चार गाड़ियों को लगा देते हैं, एंड लॉस एंटोस के मोहल्ले वालों को बोल देते हैं भाई जिसको भी अपनी गाड़ी लगानी है आ जाओ, लगाओ मेरी पार्किंग में गाड़ी। ओके क्विकली पहले मैं अपनी गाड़ी लगा के देखता हूँ, ये ऑडी लेकर चलते हैं क्विकली। ओके नाइस, एंड आराम से इस ऑडी को लगाते हैं इस कॉर्नर में। अरे वाह भाई कितनी प्यार से लग गई है, इसी तरीके से अपनी बाकी गाड़ियां भी लेकर आता हूँ, गैराज में भी नहीं छोड़ने वाला मैं। ये वाली गाड़ी है एक, तो चलते हैं जरा जल्दी से, इसको यहीं से लेकर चला जाऊँ क्या? रुको 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 रुको, मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया नहीं है, मैंने यूज़ कर रहा हूँ आइडिया। एक तो ये गाड़ी वैसे ही टूटी पड़ी है और टूट फूट जाएगी। ये रोड काफ़ी अच्छा है भाई, यहाँ से एकदम मस्त सिंपली कोई भी बंदा गाड़ी लेकर आएगा। एंड ये मेरी दूसरी गाड़ी, इसको भी लगा देते हैं यहीं पे, थोड़ा सा चिपका के लगाते हैं, जगह भी तो बचनी चाहिए। दूसरी गाड़ी, अब तीसरी गाड़ी लेकर आते हैं अपने गैराज से, वो जो रेंज रोवर है। देखो गैराज में जाने के लिए क्या मस्त शॉर्टकट है, यहाँ से इधर एंड यहाँ से गैराज में। खुल जा भाई गेट, खुल जा, रेंज रोवर आ रही है बाहर। ओ भाई ये क्या मस्त चलती है, वो भी ब्लैक कलर की, ब्लैक बीस्ट। ओके इधर से इधर, लॉस सैंटोस वालों आ जाओ, तुम लोग भी अपनी गाड़ी लेके, जिसको भी मेरी खतरनाक सी ब्यूटीफुल सी पार्किंग का यूज करना है आ जाओ सबके सब। एक दिन के लिए फिलहाल पार्किंग फ्री है, कल से पैसे चार्ज करूंगा मैं, आ जाओ आ जाओ। तो काफी सारी गाड़ियां आ चुकी है भाई अपनी पार्किंग पे ऑलरेडी, आज फ्री है एक दिन के लिए पार्किंग, कल से मैं पैसे चार्ज करूंगा, वैसे मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया है। तो कैसी लगी तुम लोग गाइस हमारी ये पार्किंग, कमेंट में जाकर बताओ भाई। एंड अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार जरा ड्रोन व्यू देख लेते हैं, तो ये है काफी अल्टीमेट ब्यूटीफुल ड्रोन व्यू। एंड एक बार ये देखो भाई, ओ तेरी ये घर कितना खूबसूरत लग रहा है इस पार्किंग को ऐड करने की वजह से। अरे वाह भाई ये तो लग रहा है, ये मतलब मेरी पर्सनल पार्किंग है एंड मेरे पास अब इतनी सारी गाड़ियां हो गई है, सीरियसली मैं ऐसा ही लग रहा है यार, इसको पर्सनली पार्किंग छोड़ दूं क्या? वैसे ये देखो यहाँ से ये रोड कितना ब्यूटीफुल है, रोड के नीचे पिलर्स लगाए गए हैं एंड कोई भी मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई कमजोर सी पार्किंग है, ज्यादा गाड़ियां आएंगी तो गिर जाएंगी, नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, एकदम परफेक्टली बढ़िया तरीके से हर रोड के नीचे पिलर लगा के एकदम अल्टीमेट तरीके से इसको मैंने बिल्ड किया है भाई, काफी मेहनत लगी इसको बिल्ड करने में, ये पिलर्स वगैरह बीच में ये ग्रीनरी वाला स्पॉट। तो कैसी लग रही है गाइस तुम लोगों को हमारी ये ब्यूटीफुल सी पार्किंग, कमेंट में जाकर बताओ। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।